नमस्ते टू ऑल। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मोदक लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे। अब इसमें डाल देंगे ग्रेटेड कोकोनट, इसको 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे गुड़। मैंने 1 कप गुड़ लिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। गुड़ अब मेल्ट हो रही है, एक कलर चेंज हो गया है। इसमें अब इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और पकाएंगे। स्टफिंग रेडी है, अब गैस ऑफ कर देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 कप पानी गरम करेंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब उसमें राइस आटा मिक्स करेंगे। देखिए पानी हमारा अच्छा बॉयल होने लगा है, अब इसमें ये आटा डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी एब्जॉर्ब होने तक इसको पकाएंगे। चावल का आटा पक गया है, अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। इसको हाथ में पानी से भिगाते हुए इसको गूथेंगे। थोड़ा वार्म वाटर मिक्स करेंगे, इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। पाँच से 6 मिनट तक इसको अच्छे से गूथेंगे, जब तक कि बढ़िया से सॉफ्ट डो ना बन जाए। देखिए हमारा सॉफ्ट डो रेडी है। अब आटा का एक छोटा बॉल लेंगे, उसको हाथ में फ्लैट कर लेंगे और उंगलियों की मदद से साइड से प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए एक कटोरी का शेप बना देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए कटोरी रेडी हो गई है। अब स्टफिंग 1 स्पून लेंगे और इसके बीचों बीच रख के बाहर से फिर कवर कर देंगे। इसको ऊपर से पिंच करते हुए टॉप के पास उसको पतला सा शेप दे देंगे। ये हमारा मोदक रेडी है। अब इसको स्टीम करेंगे। एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी, इसलिए स्टीमर में अब मोदक को डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे
10 मिनट्स के लिए इसको स्टीम करेंगे। हमारा मोदक रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़ोर से दबाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी।